नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस रिपोर्ट ऑटोमेशन एक्सेल टैब्लू एंड पावर बीआई के साथ। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैब्लू, एंड टैब्लू में हम बात करेंगे स्टोरी का। तो जैसे कि यहाँ पे सैंपल वर्कबुक है, या फिर आपने जो इससे पहले जो भी ओपन किए हैं वो वर्कबुक है। चलो मैं सैंपल वर्कबुक में जो सुपर स्टोर है इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया था कि टैबलू में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, चार चीजें होती है। तो सोर्स डेटा, जहाँ पे सोर्स डेटा होता है, जैसे यहाँ पे डेटा सोर्स हो गया आपका, एंड दूसरा आपका वर्कशीट होता है, और तीसरा आपका होता है डैशबोर्ड। तो वर्कशीट, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट को एक जगह पे कंबाइन करके डैशबोर्ड बनाया जाता है। एक जगह कंबाइन करके डैशबोर्ड बनाया जाता है। ये देखिए डैशबोर्ड है हमारा, ये सारे डैशबोर्ड्स हैं। तो डैशबोर्ड बनाया जाता है, और वर्कशीट पे क्या होता है, ये हमारा शीट है। तो शीट के ऊपर हम पिवट की तरह से अपना रखते हैं और हमारा विजुलाइजेशन तैयार हो जाता है। अब स्टोरी क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो स्टोरी एक तरह से कई सारे जो आपके यहाँ पे देखिए, कई सारे जो डैशबोर्ड्स हैं उन वर्कशीट्स हैं, उनका एक स्लाइड शो की तरह कह सकते हैं। जैसे कि स्टोरी वन हमने बोल दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट वाइज सेल्स, और यहाँ पे स्टोरी में टाइटल दे देता हूँ सेल्स बाय प्रोडक्ट। और भी कुछ देना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहे, मैं इसकी कलर रेड कर देता हूँ या कोई और कलर, इसको बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूं, और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, एंड अप्लाई एंड ओके। प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें हमने इस प्रोडक्ट के वाले डैशबोर्ड को उठा के इसमें रख दिया। तो इस तरह से, क्योंकि आप अगर मान लीजिए प्रोडक्ट को देखना होगा तो आप यहां पे जाए क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पे अब मुझे दूसरा चाहिए। दूसरा मान लीजिए मैं कस्टमर वाइज सेल्स लिखना चाहता हूं, तो मैं यहां स्टोरी में ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ, मुझे नया स्टोरी आ गया। अब यहाँ पे ऐड कैप्शन में यहाँ पर ले देता हूँ सेल्स बाय कस्टमर। अब यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको कस्टमर को उठा रहा हूँ, कस्टमर वाली जो डैशबोर्ड है हमारी जो बनी हुई है उस डैशबोर्ड को उठाता हूँ और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, वो पूरा रिपोर्ट इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। ऐसे मुझे तीसरी बनानी है तो अगेन ब्लैंक, और मैं यहाँ पे फोरकास्ट का बनाता हूँ सेल्स फोरकास्ट, और इसमें सेल्स फोरकास्ट को उठाता हूँ, इसमें रख देता हूँ। अभी हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई। अब ये हमारे लेआउट तैयार हो गए। अब मुझे रिपोर्ट देखना होगा तो मुझे यहाँ एक एक करके नहीं जाना होगा, हम यहीं पे देखिए आ जाएंगे, हमारे रिपोर्ट्स यहीं पे हमको दिखता चल जाएगा। ठीक, तो स्लाइड शो अगर प्रेजेंटेशन वगैरह देना है तो आपको तो स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन F7 क्लिक कीजिए, और इस तरह से होगा वन बाय वन, इस तरह से आप शो कर सकते। तो मीटिंग वगैरह में आप इसको इजीली इसी तरीके से शो कर सकते हैं। दिस इज द स्टोरी। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर आईबीटी इंडिया को सर्च करें, मेरे सारे वीडियोज वहां मिल जाएंगे। तकरीबन 2500 हमारे वीडियो अपलोडेड है जो कि रिलेटेड टू एक्सेल वीबीए माइक्रो एसक्यूएल एंड पावर बीआई है, और हमारे वीडियोस प्रमोशनल्स हैं। अगर आपको पूरी कंप्लीट सीरीज चाहिए तो आप हमारे पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके,
और साथ में चाहो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 क्लासेस देते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपके टाइम पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे, वो भी लाइव मैं खुद दूंगा। तो आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप डेमो क्लासेस को बुक करें। अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट करें। किसी भी तरह का एक्सेल वीबीए पावर पिवट एंड टैबलू पे कोई भी डाउट हुआ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके सामने है।